अच्छी मूवी है। क्या अच्छा क्या लगा वैसे? दोनों राम का रोल अच्छा है, रावण का अच्छा है, थोड़ा एनिमेशन ज़्यादा है। कितना रेटिंग दोगे मूवी? 4। कैसा लगा? अच्छा। क्या अच्छा क्या वैसे? हाँ बढ़िया मूवी थी। जय श्री राम। जय श्री राम। बढ़िया मूवी। जय श्री राम। जय श्री राम। मजा आया। जय जय श्री राम। कैसी लगी मूवी? कैसी लगी मूवी? मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच है। अच्छा। जैसे कहा जा रहा था कि प्रभास राम की भूमिका में है, क्या भगवान जी की भूमिका में देवदत्त नाग है, कैसे लगे? अच्छा है उनको रोल भी, बहुत बेटर कास्टिंग हो सकती थी हनुमान जी के लिए खास करके। जैसा सोचा था वैसा तो है नहीं, पर ठीक है, एक टाइम देख सकते हैं। इतना 600 करोड़ लगाया है तो एक टाइम तो देखना बनता है। बहुत उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। क्या कहेंगे आप सर? एकदम पंचर, बहुत ही घटिया, एकदम वायर, मतलब लाइक VFX तो मतलब डालते बेटर डाला है, बट बहुत ही पंचर। सॉरी, सो बेटर ट्रिपल आर पंचर मूवी। कैसी लगी? मूवी तो अच्छी है, बढ़िया है। अच्छा, क्या अच्छा क्या लगा आपको देखने को? जी देखने में क्या अच्छा लगा? देखने में क्या, VFX अच्छा है और रामायण है, फिल्म देखते देखते प्रभु श्री राम जी के दर्शन होते हैं, और ओवरऑल अच्छा है, एक मूवी करके भी अच्छा है, और जो प्रभु श्री राम है वो उनको देखना अच्छा लगता है, बार बार देखना अच्छा लगता है। रामानंद सागर की रामायण देखी, वो भी अच्छी लगी, उसके बाद और भी बहुत सारी रामायण आई वो भी अच्छी लगी, ये भी रामायण जैसी पवित्र मूवी लगी हमको। अच्छा, कितना रेटिंग दोगे आप मूवी को? 5 out of 5 आई आउट ऑफ 4। थैंक यू। सर से पूछ लेना। बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया था, 3D में मज़ा आया बहुत ज़्यादा। अच्छा। सर VFX वगैरह कैसे थे? बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे, मतलब देख के मजा। म्यूजिक हो गया, एनिमेशन हो गया, वो देखने में वो जो है वो उसका मज़ा बहुत ज़्यादा आया। अच्छा। हाँ, और ट्रेलर में सैफ अली खान दिखे नहीं है, इस फिल्म में जो देखे तो कैसे लगे उसमें? इस फिल्म लुकी है सब कुछ उनका, बहुत अच्छा लगा उनका लुक। नाइस मूवी, जबरदस्त। थैंक यू। काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से सब जन इसकी राह देख रहे थे, आज रिलीज हो गई है, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखो, आदि पुरुष का पिक्चर का इन्होंने ऐसा है कि डायरेक्टर ओम राउत जो है उनको एक बाहुबली जैसी बहुत बड़ी फिल्म बनानी थी, तो इन्होंने क्या किया कि रामायण की जो अपना कहानी है उसका बेस लिया, और जो हॉलीवुड की मूवी है प्लैनेट ऑफ द एप और जो स्पेशल इफेक्ट दिखाते वो सारा उन्होंने भव्य तरीके से दिखाया। बाकी आप अगर आदि पुरुष या भगवान श्री राम ऐसा सोच के फिल्म देखेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेंगी, क्योंकि रामायण में जो कुछ दिखाया है ना वो उसका उन्होंने बहुत कट कट करके दिखाया, बहुत छोटा छोटा दिखाया, और ख़ास करके पब्लिक का इंटरेस्ट था रावण को देखने में, तो जो टीज़र में दिखाया ना बिल्कुल वैसा ही है, कोई अलग नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि बाकी कैरेक्टर्स से रावण को 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा साइज में दिखाया। और फिल्म में जो लैंग्वेज है ना वहाँ भी प्रॉब्लम है, शुरू शुरू में तो लैंग्वेज अच्छी थी लेकिन बाद में जो लैंग्वेज है वो अरे तुरे वाली थोड़ा उसमें है, तो आप रामायण सोच के अगर फिल्म देखेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन एज ए एंटरटेनमेंट एक लार्जर दैन लाइफ और रामायण के जो कुछ इवेंट्स है जिसको आप मॉडर्न तरीके से कैसे पिक्चराइज कर सकते हैं वो तरीके से अगर फिल्म देखेंगे तो आपको एंटरटेनिंग लगेंगी। अच्छा, और जो गाने हैं, हाँ अजय अतुल का म्यूजिक, हाँ हाँ, कैसे है? गाने तो 3-4 ही नोटिस में आए, और वो जो मंगल भवन वाला जो गाना है वो बहुत अच्छा है, और जय श्री राम वाला जो गाना है वो भी बहुत अच्छा है, बाकी जो 2 गाने हैं वो कुछ खास नहीं है। एक्टिंग के बारे में? एक्टिंग के बारे में कैसा है कि अभी फिल्म है ना थोड़ा जो एनिमेशन और ये है उसका ज़्यादा यूज़ किया गया, तो फेस वैल्यू जो है उतना ही ध्यान में आता है, बॉडी लैंग्वेज किसी के भी ध्यान में नहीं आती आपको, तो एक्टिंग का ऐसा अब वो रामायण से कंपेयर हो रहा तो ऐसा उसको ध्यान में तो आता नहीं, फिर भी जहाँ जहाँ सीरियस होना चाहिए पिक्चर ने वहाँ वहाँ सीरियस हुआ, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी दिखाया। तो ओवरऑल आप मूवी देख सकते हैं? हाँ, ओवरऑल मूवी देख सकते हैं, वन टाइम इन्जॉय कर सकते हैं, और रामायण की जो कहानी है वो आपको मालूम पड़ता है कि भाई कौन सी चीज़ के बाद में क्या हुआ था,
और लास्ट में जो एक्शन सीन बताया रावण का वध जो होता वो बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ। और फिल्म में ना तीन चार सरप्राइज एलिमेंट्स भी है, जैसे भगवान श्री राम और हनुमान जी का जब मुलाकात होता तब दो चार सवाल पूछे गए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन है। तो कितना रेटिंग होगा आप मूवी को? मेरी तरफ से पिक्चर को 3.5 स्टार। तो दोस्तों ये थे आदि पुरुष, जो पहला शो आज हमने यहाँ रिव्यू किया, पब्लिक रिव्यू किया। तो दर्शकों को किसी को पसंद आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। हाँ, मैंने देखी नहीं है, मैं अभी देखने जा रहा हूँ और फिर बताऊँगा ये मूवी मुझे कैसी लगी और फिर से रिव्यू लेंगे दर्शकों के। और ये मूवी ज़रूर देखना है क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम पर आधारित मूवी है। पहली बार ऐसी बिग बजट मूवी आई है, तो ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद है ये मूवी तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक बार। और आज हमने पहला जो रिव्यू लिया था आइनॉक्स जसवंतोली मॉल नागपुर में, तो आइए और फिर से देखिए आदि पुरुष।